उत्तर प्रदेश की राजधानी 7 जून की दोपहर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। यहां केसरबाग कोर्ट में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। कुख्यात अपराधी संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को लखनऊ कोर्ट परिसर में अंजाम दिया गया। जीवा को कई गोलियां मारी गई हैं। खबरों के मुताबिक दो अन्य लोगों को भी गोली लगी है, जिसमें एक बच्ची भी शामिल है। मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी के करीबी गैंगस्टर संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या करने आए हमलावर वकील के भेष में कोर्ट में पहुंचे थे। इस घटना के बाद लखनऊ कचहरी में अफरा तफरी मच गई। वारदात के बाद कोर्ट परिसर में पथराव हुआ। पत्थरबाजी में कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानल में अस्पताल पहुंचाया गया। आपको बता दें, दिल्ली में भी जितेंद्र गोगी की हत्या रोहिणी कोर्ट परिसर में वकील के भेष में आए टिल्लू गैंग के सदस्यों ने की थी। गैंगस्टर संजीव जीवा मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी गैंग से जुड़ा हुआ था। विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में भी संजीव जीवा का नाम आया था। संजीव को पश्चिमी यूपी के सबसे खूंखार अपराधियों में से एक माना जाता था। उसे कुछ दिनों से लखनऊ की जेल में रखा गया था। यहीं से एक मामले में उसे पेशी के लिए कैसरगंज कोर्ट लाया गया था। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद से ही संजीव महेश्वरी ने अपनी जान को खतरा बताया था। गैंगस्टर संजीव महेश्वरी उस जीवा की पत्नी ने भी कोर्ट में सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई थी। भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में भी जीवा शामिल था। 10 फरवरी 1997 को लोहाई रोड पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सीबीआई ने लखनऊ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। 17 जुलाई 2003 को सीबीआई कोर्ट ने पूर्व विधायक विजय सिंह और जनपद शामली गांव के आमतपुर निवासी गैंगस्टर और मुख्तार अंसारी के साथ साथ मुन्ना बजरंगी के शूटर संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और अब उसकी लखनऊ कोर्ट में गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी गई। आज कोर्ट परिसर में गोली चली है और एक मुलजिम जो पेशी पर आया था उसको गोली लगी है। आसपास के एक पुलिस कर्मचारी को भी गोली लगी है, परंतु अधिवक्ताओं से वार्ता कर रहे हैं और उनको उपचार हेतु एक का प्रकाश पाया।